हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। जैसा कि आप लोगों ने रेज किए थे क्वेश्चंस कि मुझे टेस्ट सीरीज के बारे में जानना है, ज्योग्राफी ऑप्शनल के टेस्ट सीरीज के बारे में, तो हम लोग फटाफट जरा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में क्या कुछ इज देयर इन द ज्योग्राफी टेस्ट सीरीज। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक एनी टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए होती है क्योंकि आप अपना कंटेंट जब भी तैयार कर रहे होते हैं, जब भी आप पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो आप बहुत सारे मटेरियल से गो थ्रू हो रहे होते हैं। कई सारे वो कोचिंग के मटेरियल होते हैं, कई सारे वो आपके यूट्यूब के मटेरियल होते हैं, कई सारे इंटरनेट के मटेरियल होते हैं और कई सारे बुक्स वगैरह होते हैं। तो आप कंटेंट तो काफी अच्छा प्रिपेयर कर लेते हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी आप मुझे लगता है लगाते ही होंगे, तो पास्ट ईयर क्वेश्चन भी आपने कर लिए। लेकिन अगेन यहां पर एक मिसिंग एलिमेंट हो जाता है और वो हो जाता है हाउ टू कोप अप विद अनसीन क्वेश्चंस या अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको कैसे टैकल करना है। ये होती है पहली चीज जहां पर आपको एक ऐसे क्वेश्चन को टैकल करना है जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है। दूसरा जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये होती है एग्जाम लाइक एनवायरमेंट। आपको एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट अपने घर पे या फिर जहां पर भी आप पढ़ते हैं वहां पर आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही अल्टीमेटली एग्जाम में आपको फायदा करा रहा होगा। क्योंकि एग्जाम में आपको पता है कि 3 आवर का एग्जाम है और आपको इसी में पेपर कंप्लीट करना होता है। पेपर कंप्लीट करना नॉट अ बिग टास्क, लेकिन उसको क्वालिटी के साथ कंप्लीट करना ये काफी बड़ा टास्क हो जाता है। विद इन द टाइम कंप्लीट करना ये उससे बड़ा भी टास्क हो जाता है। तो इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए टेस्ट सीरीज लेना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे आपके ऑप्शनल का हो। तो आपको टेस्ट सीरीज आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ती है। अब हम लोग जरा देखते हैं हम लोग अपने इस प्रैक्टिस सेशन में क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ टेस्ट सीरीज में देखेंगे। तो देखिए, द टेस्ट सीरीज इज बेसिकली अबाउट प्रैक्टिस सीरीज। ये प्रैक्टिस सीरीज है, मतलब हमें इवेल्युएशन तो कराना ही है, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें से अपने आप को निखारना है। मतलब कि आपने कंटेंट पढ़ा तो आपका स्टैंडर्ड कुछ इस लेवल पे आया, मान लेते हैं ये हमारा स्टैंडर्ड लेवल नॉर्मल लोगों का है। आप कंटेंट पढ़ने के बाद इस लेवल पे आएंगे, चाहे वो आप अपना कंटेंट पढ़ रहे हो, किसी दूसरे मटेरियल का कंटेंट पढ़ रहे हो या फिर हमारा कंटेंट पढ़ रहे हो, आप एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज से आप एक एक्स्ट्रा एज ले रहे होते हैं और वो एक्स्ट्रा एज ये होती है। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एक टेस्ट सीरीज को लेना। ये बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है और प्रैक्टिस के बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। अब अगर हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज के बारे में बात करें, व्हाट द रिकॉग्निशन आईएएस इज प्रोवाइडिंग यू, हम लोग प्रोवाइड करेंगे आपको 20 टेस्ट, क्योंकि 20 टॉपिक्स हैं और सबके एक एक टेस्ट हो जाएंगे। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी का है, क्लाइमेटोलॉजी का है, ओशनोग्राफी का है, ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए और पेपर 2 इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो गए। सबके एक टेस्ट फॉर एक टॉपिक। यू कैन अटेम्प्ट ट्वाइस, मतलब क्या है इसका, देखिए हर एक टेस्ट को आप 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक बार आप अटेम्प्ट करेंगे जब भी शेड्यूल होगा और दूसरा आप अटेम्प्ट करेंगे आफ्टर द डिस्कशन, क्योंकि दिस इज बेसिकली प्रैक्टिस। आप डिस्कशन से पहले कैसे हैं और डिस्कशन के बाद कैसे हैं, ये आपको अपने अंदर में फील करना होगा कि आखिर में इस डिस्कशन का, इस टेस्ट का क्या मुझे कोई फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से 2 बार लिखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये हुई पहली चीज। दूसरी चीज, एक ही क्वेश्चन को जब आप 2 बार लिख रहे होते हैं तो आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाती है। आप वीक में एटलीस्ट 2 बार 3-3 घंटे बैठ करके लिख रहे होते हैं तो प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है। तो इस वजह से हमने किया है कि आप एक टेस्ट को 2 बार अटेम्प्ट करेंगे। तीसरी चीज, टेस्ट डे क्या होगा, तो टेस्ट डे होगा संडे 9:30 to 12:30, जैसा कि एग्जामिनेशन में होता है। अब ऐसा नहीं है कि दिस इज रिजिड, मैं कहूंगा देखिए कि आप थोड़ी सी यहां पर डिसिप्लिन रखिए और अगर इस टाइम फ्रेम में करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा, दैट इज माय सजेशन। बट यू कैन अटेम्प्ट एनी टेस्ट इफ यू वांट एनी डे, ठीक है, इट इज फ्लेक्सिबल, आपके ऊपर है, जैसा आप, या तो मेरी मर्जी से चलिए, आप अपनी मर्जी से चलिए, कैसे भी चलिए, यू हैव टू गेट थ्रू दिस एग्जामिनेशन, जैसे भी आपको चलना है। आफ्टर द टेस्ट वी विल टेक 2 डेज टू चेक योर आंसर्स, 2 दिन हम लोग लेंगे और आपका आंसर्स वगैरह चेक कर लेंगे, क्या है, कुछ है, कैसे है। चेक होने के बाद आपको 2 दिन के बाद में आपको फीडबैक दिया जाएगा और बताया जाएगा कैसे इंप्रूव करना है और कहां पर इंप्रूव करना है, किस टॉपिक में आप लैग कर रहे हैं, किस टॉपिक के लिए आपको सोर्स क्या रेफर करने चाहिए या फिर क्या कुछ है।
ये टेलीफोनिक भी होगा और साथ में ईमेल के थ्रू भी होगा। यहां पर कोई भी बकवास बातें नहीं, टू द पॉइंट बातें होंगी और आपको बताया जाएगा इस पॉइंट पे आपको ये काम करने की जरूरत है अभी के लिए। तीसरे दिन आपको डिस्कशन वीडियो मिल जाएगी, जैसे मान लेते हैं संडे को टेस्ट हुआ, मंडे ट्यूसडे वी विल टेक टू चेक द कॉपी एंड देन वेडनेसडे को आपको डिस्कशन की वीडियो मिल जाएगी, एक पूरा का पूरा कैसे सॉल्व करना चाहिए पेपर को, कैसे क्या कुछ इंक्लूड करना है, कहां पर क्या इंक्लूड करना है, ये सारा कुछ बता दिया जाएगा आपको कैसे करना है। चौथे दिन अगेन आप डिस्कशन वीडियो तीसरे दिन देख चुके होंगे, चौथे दिन अगेन आप टेस्ट को वापस से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अटेम्प्ट करके अगेन यू कैन सेंड अस, हमें फिर से भेज सकते हैं और फिर से वापस से एक चेक करके बता दिया जाएगा क्या कुछ है, कैसे कुछ आपको इंप्रूव क्या करने की जरूरत है। इसके बाद आता है कि ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट क्या होगा, मतलब कि हम टेस्ट कब तक दे सकते हैं। तो देखिए इसके लिए होगा कि आप अगर आप मेंस दे रहे हैं तो आप मेंस तक आप अपना कंप्लीट कर लीजिए 20 टेस्ट फटाफट और कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सपोज आप बिगिनर हैं और आपका अभी अटेम्प्ट नहीं है, आप टेस्ट अपना ऑप्शनल जो है पहले प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपके 20 टेस्ट कंप्लीट नहीं होंगे तब तक आप एनरोल्ड रहेंगे, मतलब यू हैव टू एग्जॉस्ट योर ऑल द टेस्ट तब आपकी टेस्ट सीरीज खत्म होगी। तो यहां पर आपकी कोई फ्लेक्सिबल, हमारी तरफ से कोई भी रिजिडिटी नहीं है कि आप एक साल में छह महीने में इसको कंप्लीट करिए अदरवाइज आप डिसएनरोल हो जाएंगे, आप 20 टेस्ट अपना पूरा कंप्लीट करिए उसके बाद ही आप इसमें से हट सकते हैं। और हटने का मतलब कि टेस्ट सीरीज की ड्यूरेशन खत्म होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हमें कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते हैं या आप अपने आंसर्स बाद में नहीं भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं, आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं, इनफैक्ट पास्ट ईयर के क्वेश्चन आप कई सारे बच्चे अभी भी भेजते हैं, उनको इवैल्यूएट करके उनका फीडबैक अभी भी दिया जाता है। इसके बाद होता है कि हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, ये आपको बाद में बताया जाएगा, दिस में भी यूट्यूब और दिस में भी गूगल क्लासरूम और दिस में भी सम एंड्रॉइड ऐप, कोई अदर भी चीजें हो सकती हैं, बट वी विल मेक श्योर कि सब लोग आसानी से कन्वीनियंट तरीके से ये सारी चीजें पा जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना होने पाए, चाहे वो टेस्ट पेपर हो चाहे डिस्कशन वीडियो, बट इट विल बी फॉर्मल, अभी आपको व्हाट्सएप में नहीं करूंगा या टेलीग्राम में नहीं करूंगा, इट विल बी फॉर्मल। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि वेन टू ज्वाइन, कब ज्वाइन करना चाहिए हमें ये टेस्ट सीरीज। देखिए आप जब तक पूरे ज्योग्राफी कोर्स को कंप्लीट ना कर लीजिए तब तक आप टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन करिए, दिस इज माई सजेशन कि आप एक बार पूरा ज्योग्राफी का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, या आपको लगता है अगर कि हम टेस्ट से पहले अपना ज्योग्राफी कंप्लीट कर लेंगे तब आप ज्वाइन करिए, अदरवाइज होगा क्या कि आप टेस्ट लिख रहे होंगे, आपने अच्छा आंसर लिखा नहीं या कंप्लीट नहीं किया, आधा अधूरा आपने लिखा, तो मुझे भी एक तो मुझे भी चेक करने में गुस्सा आएगा कि यार क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, फालतू में पैसा बर्बाद किया अपना, तो ये काम नहीं करना है, आप पूरा पहले एक बार पढ़ लीजिए, अपना इवैल्यूएशन आप तभी कराइए जब आप उसके लिए परिपक्व हो चुके हो, आप कंप्लीट कर चुके हो, क्लियर हो गया। इसके बाद होता है कोर्स स्ट्रक्चर और शेड्यूल क्या है, देखिए कोर्स स्ट्रक्चर और शेड्यूल क्या है, दिस इज द कोर्स स्ट्रक्चर एंड शेड्यूल, आपका स्टार्ट होगा टेस्ट 17th मई से और ये हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा। पहला क्वेश्चन, क्या हम इस टेस्ट को इसी दिन देना है, आप किसी भी दिन दे सकते हैं, यहां पे प्रीलिम्स का भी एग्जामिनेशन आएगा, ये टेस्ट का शेड्यूल आपका टेंटेटिव नहीं है, ये केवल और केवल आपको एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू की तरह से दिया गया है, जैसे जैसे अब मान लीजिए प्रीलिम्स जैसे बीच में आ गए तो ऑब्वियसली आप टेस्ट नहीं दे रहे होंगे, आप अपने प्रीलिम्स के प्रिपरेशन में लग जाएंगे, और यही मेरा सजेशन भी है कि आप टेस्ट न देकर के प्रीलिम्स में लगिए और फिर जैसे ही प्रीलिम्स ओवर होती है आप फटाफट से वापस से आ जाइए टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। तो हम लोग इसको इनरोल मतलब इस तरीके से ये डेज चेंज कर सकते हैं, तो इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट दिस इज जस्ट ए रेफरेंस पॉइंट, यहां ये सारे टेस्ट होंगे, ये सारे टॉपिक्स होंगे और ये सारी डेट पॉसिबल है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि कैसे ज्वाइन करना है हमें, हाउ टू ज्वाइन इट। ज्वाइन करने के लिए देखिए यू विल हैव टू ईमेल ऑन recognitionis@gmail.com, आपको एक ईमेल करना पड़ेगा और वैलिड ईमेल आईडी से आपको ईमेल करना होगा, ईमेल करिए। ईमेल करने में लिखना क्या है, आपको केवल मेंशन करना है सब्जेक्ट कि मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप सब्जेक्ट मेंटेन करिए, वहां पे मेंशन करिए ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, अगर आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें केवल सब्जेक्ट देखना है, हम सब्जेक्ट देखेंगे और फिर आपको रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई हम लोग क्या करेंगे, वी विल सेंड यू वन एप्लीकेशन फॉर्म, हमारे रिकॉग्निशन आईएएस इंस्टीट्यूट की आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म जाएगी और पेमेंट मेथड आपको बता दिया जाएगा कि पेमेंट मेथड कैसे करना है,
पेमेंट मेथड आपको ईमेल किया जाएगा, बताया जाएगा जो भी गूगल पे है उसका या तो नंबर या क्यूआर कोड, सिमिलरली सारे ऑप्शंस आपको बता दिए जाएंगे। आपको उस ईमेल के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फी पेमेंट करनी है, फी पेमेंट की रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म ये हमें उसी ईमेल आईडी पे सेंड करना होगा, और उस पे आप मेंशन करिएगा अपना नाम अलग से, एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा आप अपना नाम मेंशन करेंगे, अपना फोन नंबर मेंशन करेंगे और अपना वैलिड ईमेल अकाउंट मेंशन करेंगे, ठीक है। द फी इज 299, आपको ये पहले से ही पता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि 299 क्यों, क्योंकि ये केवल और केवल रखा गया है कि आप अपनी सिंसियरिटी के साथ दें। 20 टेस्ट है, 299 फी है, एक टेस्ट को दो बार दे सकते हैं, इट इज नथिंग, ठीक है, कुछ भी नहीं है फी। और ये केवल और केवल इसलिए रखा गया है क्योंकि हम समझते हैं एक स्टूडेंट के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है कैपिटल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे मटेरियल चाहिए, जो पीडीएफ से आप पढ़ा रहे हैं वो चाहिए। देखिए पहली चीज, पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, पीडीएफ अवेलेबल केवल और केवल पेनाल्टी बेसिस पे है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको साथ में लिखते रहिए ताकि आपका जो वीडियो का एक्चुअली वीडियो का जो मोटिव है वो कंप्लीट हो, आपको प्रिपरेशन में हेल्प मिले। या तो आप किसी कोचिंग मटेरियल को इसके साथ में इंक्लूड कर लीजिए या फिर जिस जो भी आपको करना है कैसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए देन यू हैव टू एनरोल फॉर वीआईपी ट्रीटमेंट एंड दिस इज द वीआईपी फी 2500 फॉर ऑल फुल कोर्स, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगेन इसके लिए कुछ कंडीशंस रहेंगी कि आप इसको शेयर नहीं कर सकते एंड ऑल दैट, कई सारी चीजें रहेंगी, चलिए खैर। तो दिस इज पेनाल्टी फी और मैं आपको डिस्करेज करूंगा कि आप कभी भी पीडीएफ की डिमांड करिए, पीडीएफ डिमांड बिल्कुल मत करिए, जो भी दिखाया जा रहा है। अच्छा, पीडीएफ वही रहेगी, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है, वही पीडीएफ है जो मैं आप लोग को स्लाइड शो करता हूं, सेम पीडीएफ मटेरियल इज देयर। इसके अलावा अगर कोई मटेरियल रहता भी है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपको शेयर कर देता हूं, आप उसको पढ़ करके अपना इन नोट्स में एनरोल कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कोई स्पेशल पीडीएफ मटेरियल या ऐसा कोई स्टडी मटेरियल हमारी बिल्कुल भी नहीं है, जो भी मटेरियल होती है वो हमारी जो स्लाइड में दिखाता हूं आपको वही होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये एडवांस ज्योग्राफी कोर्स क्या है। देखिए एक होती है ज्योग्राफी जो आपने पढ़ी है और एक होती है एडवांस ज्योग्राफी कोर्स। एडवांस ज्योग्राफी कोर्स में क्या होता है कि कुछ स्टैंडर्ड बुक्स और हमें पढ़नी होती हैं। स्टैंडर्ड बुक्स हो गई या फिर योजना कुरुक्षेत्र या ज्योग्राफी फॉर यू, कई सारे मटेरियल होते हैं और उस मटेरियल से भी हमें इनपुट्स लेने होते हैं अगर मुझे ज्योग्राफी का एक एक्स्ट्रा एज लेना है तो। तो इस ज्योग्राफी ऑप्शनल कोर्स को मैं अभी नहीं, बाद में लॉन्च करूंगा और लॉन्च आफ्टर प्रिलिम्स होगी, ये प्रिलिम्स के बाद ये लॉन्च होगी। और इसमें बेसिकली होगा क्या, आपने ज्योग्राफी का अपना बेसिक्स कर लिया है, बेसिक्स करने के बाद आप तब इनरोल कर सकते हैं इस एडवांस ज्योग्राफी कोर्स में। दो कंडीशन इसके लिए रहेगी। फर्स्ट कंडीशन, जितने भी लोग टेस्ट सीरीज में बेहतर बढ़िया परफॉर्मेंस किए रहेंगे, बढ़िया परफॉर्मेंस मतलब कि आपके मार्क्स हमेशा 100 प्लस अगर आ रहे होंगे तो आप एडवांस ज्योग्राफी कोर्स के लिए फ्री में इनरोल्ड रहेंगे। अगर आपके मार्क्स कम रहेंगे या फिर आप सिंसियरिटी नहीं शो किए होंगे तो ऑब्वियसली यू हैव टू पे सम फी हियर एंड द फी विल बी 999। तो ये फी रहेगी एडवांस ज्योग्राफी कोर्स। आप ज्योग्राफी कोर्स के हमारे कंटेंट को देख ही रहे हैं, उसकी क्वालिटी आप देख ही रहे हैं। एडवांस ज्योग्राफी कोर्स उससे भी हायर लेवल का कंटेंट रहेगा, जो भी कुछ रहेगा वो तो आप बाद में देख ही सकते हैं। लेकिन ये केवल और केवल इसलिए रखा गया है ताकि आप टेस्ट सीरीज को सीरियसली लें और अपनी प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से कर सके, ज्यादा से ज्यादा आप इस टेस्ट सीरीज से निकाल पाए, अपनी प्रिपरेशन को बेटर कर सके। तो ये बेसिकली इस टेस्ट सीरीज का मोटिव है और इसलिए मैंने इसको कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए मैंने इस एडवांस ज्योग्राफी कोर्स के लिए आपको बना दिया है कि अगर आप बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया टेस्ट सीरीज करेंगे तो आपको ये फ्री में एनरोल कर दिया जाएगा। और ऐसा नहीं, आपको ट्रांसपेरेंट रखा जाएगा, आपको दिखाया जाएगा कॉपी में यह नंबर है और मैं जबरदस्ती आपका नंबर नहीं काटूंगा, मैं बताऊंगा क्यों नंबर आपके कट रहे हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देन यू कैन आस्क ऑन टेलीग्राम, यू कैन कॉल एंड यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन ईमेल। प्रेफर्ड ये होगा कि आप या तो टेलीग्राम करिए या व्हाट्सएप करिए या ईमेल करिए। कॉल देखिए थोड़ी सी मुश्किल होती है कई बार कॉल उठाने में, कई बार हमारे क्लासरूम में भी रहना होता है तो कॉल उठाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए खैर, तो दिस इज ऑल थिंग अबाउट अवर ज्योग्राफी ऑप्शनल टेस्ट सीरीज के बारे में। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट देन यू कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म्स एंड यू कैन आस्क योर डाउट्स हियर। ओके।